श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में सब लोग विचार जानना चाहते हैं। हमारा पूरे देश के लिए और सब भक्तों के लिए संदेश है कि जो है कृष्ण जन्माष्टमी सदैव नक्षत्र के अनुसार ही मनाना चाहिए, तिथि के अनुसार नहीं, क्योंकि मरने में तिथि प्रधान होती है, उसी तिथि पर श्राद्ध तर्पण पितृ ये काम होते हैं, तिथि प्रधान होती है। जन्म में नक्षत्र प्रधान होता है, क्योंकि नक्षत्र के अनुसार ही नामकरण किया जाता है, इसलिए जन्म जो है नक्षत्र के अनुसार ही मनाना चाहिए। दूसरी बात, संपूर्ण भागवत में अष्टमी तिथि की कोई चर्चा नहीं है, केवल नक्षत्र की चर्चा है। नक्षत्र के दिन ही उत्सव हो रहा था, तभी सट्टासुर का उद्धार हुआ है, वहाँ नक्षत्र उत्सव स्पष्ट लिखा है, तिथि का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए नक्षत्र के अनुसार ही होना चाहिए और इसी में सबका जीव का कल्याण है। तीसरी बात, पराशर ऋषि ने लिखा है, अष्टमी सप्तमी विद्धा अग्नि विद्धा च रोहिणी एकादशी दसवीं विद्धा पूर्व पुण्य क्षय को क्षय करती है, अर्थात अष्टमी सप्तमी विद्धा हो तो पूर्व जन्म के पुण्यों को समाप्त करती है, और रोहिणी नक्षत्र यदि अग्नि से विद्धा हो तो पूर्व जन्म के पुण्यों को समाप्त करती है, और एकादशी दसवीं विद्या हो तो पूर्व जन्म के पुण्यों को समाप्त करती है। ये पराशर ऋषि का मत है। जय श्री राम।